Hello, good morning, India. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो गाइज, यहाँ पे अपन बेसिक साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनको थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह के साथ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सिंपल से केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस रहेंगे आज आपके, जहाँ पे ज़्यादातर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड ओवर्स जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करिए, आंसर के साथ। एल्किन्स वर प्रीवियसली नोन एज, एल्किन्स को पहले किस रूप में जाना जाता था। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो अपने को कंप्लीट करने हैं साइंस के। यहाँ पे पास है 5:30 बजे वाली क्लास में हम बेसिक साइंस के कुछ क्वेश्चन कम्प्लीट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में। क्या नहीं, एग्ज़ाम्स की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई डेट आई है तो आई डोंट नो, अदरवाइज अभी तक शायद कोई डेट नहीं आई है एग्ज़ाम की। एक्सपेक्टेड आपकी उन्होंने पहले जनवरी एंड दिया था, फिर फरवरी कर दिया था, तो मे बी वो किस हिसाब से जाएगा नहीं पता है। और एग्ज़ाम का अभी तो शायद कुछ डेट्स वगैरह डिसाइड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से आपका रहेगा। ओके राइट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एल्किन्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन्स, इनके जनरल फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो सिंपली जब हम एल्कीन की बात करते हैं, जो कि है आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो CnH2n जो है वो एल्किन्स का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, एल्किन्स का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है? CnH2n जो है वो जनरल फॉर्मूला रहता है। और उसके अलावा आपको याद रखना है कि ओलेफिन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सी, ओलेफिन्स जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एल्किन्स को जनरली सी ये आपका ओलेफिन्स के नाम से जानते हैं, तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। नहीं, 30 मिनट्स की क्लास होती है, इसका PDF नहीं, सुबह जो 1 बजे क्लास होती है PDF आपको सिर्फ उसको मिलता है। ओके राइट, ओलेफिन्स करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे। प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं, है ना, जिसको हम PET बोलते हैं। ये PET को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप लोग बताइए जो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से। RPF की क्लास आपकी 1 o'clock पे स्टार्ट होती है, उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे एक बार। बिल्कुल, यहाँ पे आपको पूछा है कि PET जो प्लास्टिक जिससे ये बना रहता है, जिससे हमारी बॉटल्स वगैरह बनी होती हैं प्लास्टिक की, तो उसके हिसाब से बताना है। मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि मार्केट में या रेगुलरली आपको यूज़ करने के लिए प्लास्टिक की बोतल्स आती है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि फाइबर के साथ प्लास्टिक को मिला के जो बॉटल्स आती हैं वो सेफ रहती है गर्म पानी या ठंडा पानी ज़्यादा डालने के लिए। PET की बोतल होती हैं ये, ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करते हैं
तो PET नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बॉटल्स के लिए प्लास्टिक में. ज़्यादातर हो तो कांच की बोतल या फिर फाइबर की बोतल इस्तेमाल करना चाहिए. प्लास्टिक की बनी हुई बोतल को कभी भी खाने पीने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ें डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं. यहाँ पे अगर PET के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पॉली इथाइलीन ट्रैक्थलेट, जो आपका पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए आप पॉली इथाइलीन टेरीप्थलेट जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है वो आपका करेक्ट होगा यहाँ पे. तो ये उसके हिसाब से थोड़ा सा याद रखिएगा. PET बॉटल्स को बनाने के लिए थर्मोस प्लास्टिक जो कपड़े बनाए जाते हैं उनको भी यूज करते हैं. कंटेनर्स बनाए जाते हैं इसके PET के. और उसके अलावा जो बॉटल्स बनाई जाती हैं स्टोरेज पर्पस के लिए, खाने की चीज़ों को या लिक्विड की चीज़ों को, तो उनको स्टोरेज करने के लिए PET का इस्तेमाल करते हैं. ह्यूमंस के लिए, मानव शरीर के लिए PET की जो बोतल होती हैं ये हार्मफुल होती हैं, ठीक है. जैसे कि आपको पता है प्लास्टिक के कप्स यूज़ करना या प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करना कैन कॉज दी कैंसर. तो उसी से रिलेटेड है PET प्लास्टिक वाली बॉटल्स याद नहीं रखनी है. तो करेक्ट आंसर आपका पॉलीथीन टेरिप्थलेट जो है वो करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट हैज़ द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट. इंग्रेडिएंट तो नहीं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं. इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? टाइटेनियम, टंगस्टन, आर्गन या निकेल. तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी के हिसाब से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसका गलनांक सबसे कम होता है. Which of the following element has the lowest या least melting point? ये कुछ भी नाम रखते हैं. क्या नाम रखा है पहली बार में CGL में आने, पता नहीं क्या पहली ही बार में CGL टॉप 100 में आना. CGL के एग्जाम की तो पता लगे होगा कि नहीं होगा उसके एग्जाम का, पिछली बार का तो पता नहीं चल रहा कुछ. ओके राइट, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर इस चीज को हम लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, लीस्ट पूछा है हाईएस्ट नहीं, तो अगर आप आंसर टंगस्टन दे रहे हो तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है 3380 जो कि बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. इसीलिए टंगस्टन को बल्ब में इस्तेमाल करते हैं कि वो कितना भी गर्म होगा तो भी खराब नहीं होगा. तो वो लीस्ट नहीं होता, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो एक तो आप टंगस्टन के साथ उसे कंफ्यूज मत करिए, टंगस्टन आंसर दे रहे हो लेकिन गलत है. अब इस क्वेश्चन में जरा यहाँ पे देखिए, शांतनु त्रिपाठी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है ना आर्गन होगा. देखो एक बार देखो, टाइटेनियम है, टंगस्टन है, आर्गन है और निकेल है. इसमें गैस कौन सी है? आर्गन. आर्गन आपका किस में आता है? तो इसको हम 18th और 17th ग्रुप आपने पढ़े हैं. 17th ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरटाइन. उससे भी कम मेल्टिंग पॉइंट गैसों का होगा ना. 18th ग्रुप में आपकी सारी की सारी गैसेस हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी गैसेस हैं. तो गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट तो वैसे भी हाई होता है. तो यहाँ पे आपको नहीं इतना दिमाग लगाना था टंगस्टन से रिलेटेड, सिंपली कई बार ज़्यादा दिमाग लगाना भी हानिकारक हो जाता है. यहाँ पे आर्गन सिंपली गैस है, तो गैस क्या रहेगी, गैस का मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली बाकी के एलिमेंट से कम होगा. तो आर्गन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे. द सिंपल नेम ऑफ सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट. लैब असिस्टेंट के पेपर में आपको कोई नहीं पूछेगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, इस तरीके के फॉर्मूले जैसे ये लिखा हुआ है आपको पूछा जाएगा. जैसे कि फॉर्मूला आपको बताना है या फिर अगर हम सिंपल नेम बोलते हैं, अदर नेम्स अगर हम बोलते हैं, तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट किस चीज का है ये फॉर्मूला? द सिंपल नेम ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट. ललित बिल्कुल, अगर थर्ड आप इस क्वेश्चन का दे रहे हो सिंपल नेम के लिए बोल रहे हो यहाँ पे टेट्राबोरेट के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे आंसर याद रखना है आपको. बोरेक्स जो लोग आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे.
जिप्सम अगर आप 500 दे रहे हो तो थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करो, जिप्सम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको पता है ये आपका बोरेक्स जो है वो करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ये क्लास आपकी आरपीएफ और भी सीजीएल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा, सीजीएल के होते हैं तो। ओके राइट, सिंपल नेम ऑफ सोडियम टेट्रा डेकाहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो बोरेक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। एप्सम सॉल्ट ए, एप्सम सॉल्ट का मैग्नीशियम होता है, और अगर हम एप्सम सॉल्ट के फुल फॉर्म की या फिर फॉर्मूला की बात करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट, सिंपल। देखो एप्सम सॉल्ट कुछ नहीं याद रखना है, MgSO4 याद रखना है आपको, मैग्नीशियम सल्फेट करके इसको टर्म किया जाता है MgSO4। तो आपका और जिप्सम आपको पता ही है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट करके CaSO4.2H2O जो है वो फॉर्मूला रहता है। तो पॉइंट इज कि आपको बोरेक्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, और गैलेना आपको पता ही है, गैलेना जो है वो लेड का ओर होता है जिसका सिंपल फॉर्मूला है PbS। तो ये चारों पॉइंट क्लियर है, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CaSO4.2H2O, बोरेक्स सोडियम टेट्राबोराइड डेकाहाइड्रेट, और गैलेना आपका इज रिलेटेड टू यहाँ पे लेड का ओर PbS जिसको हमने बोला। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर इसका है बोरेक्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द नेल पॉलिश रिमूवर। तो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसको अगर आपने ओपन करके रखा है तो वो उड़ जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप उसको स्किन पे डालते हो तो वो इतनी वॉलेटाइल होती है कि वो ठंडा हो जाता है एकदम से, फिंगर पे डलता है या कैसे भी करके तो वो ठंडी होने लगती है ना आपकी स्किन। तो थोड़ा सा उस पॉइंट से सोचिए आप लोग, क्या रहता है नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर। जिप्सम इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल। यहाँ पे पंकज, यस, एसीटोन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। और एक बार जल्दी से ये बता दीजिए कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल राधे, एसीटोन जो है वो आपका करेक्ट आंसर, यस। एसीटोन का फॉर्मूला क्या रहेगा, बिल्कुल एसीटोन, बिल्कुल पक्का सही है, ठीक है। एसीटोन का फॉर्मूला, कितने कार्बन्स होते हैं, ओके, तीन कार्बन के साथ, कार्बन तीन होते हैं C3H6O, ठीक है। C3H6O जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। C3H6O जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज दी एसीटोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मिल्क इन सॉर टेस्ट। मिल्क को टेस्ट कन्वर्ट करने के लिए, खट्टा बनाने के लिए, या सिंपल मैं अगर पूछती हूँ मिल्क को कर्ड में बनाने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या रहेगा आपका आंसर, बिल्कुल C3H6O जो है वो एसीटोन का फॉर्मूला रहता है आपका। द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट द मिल्क इन टू सोर टेस्ट, बिल्कुल यहाँ पे सिंपल लैक्टिक एसिड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और लैक्टिक एसिड के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम अंतर है एसीटोन में और लैक्टिक एसिड में। मैंने आपको लैक्टिक एसीटोन का फॉर्मूला क्या बताया, C3H6O, और जब यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल आप याद रखिएगा C3H6 और O3, ठीक है। ये आपका किस चीज का फॉर्मूला है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो जब आपको नहीं दिख रहा है इसको हटा देते हैं, ओके राइट। देखिए C3H6O लिखा रहेगा तो एसीटोन, और C3H6O3 लिखा रहेगा तो आपका लैक्टिक एसिड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, आई गेस ये चीज़ें सिंपल है लेकिन फॉर्मूले कैसे करना है और
ये थोड़ा सा ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, मतलब फॉर्मूले से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए और किस तरीके से कोरिलेट करना है। जैसे एसीटोन का अगर आप याद करते हो C3H6O, तो उसके साथ आप लैक्टिक एसिड भी याद रखो ना, C3H6O3, ताकि ऐसे कभी आता है कन्फ्यूजन के लिए तो वो याद रहे। देखो सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड में क्या डिफरेंस रहता है। सिट्रिक एसिड की जब हम बात करते हैं ना, देखो लैक्टिक एसिड आपको समझ आया, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर जो उसको कन्वर्ट करता है इनटू व्हाट दी मिल्क को कर्ड में बदलता है। लैक्टोज आपने सुना है ना, लैक्टोज एक तरीके की यूनिट होती है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा याद रखना है। और दूसरा लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, आपका ये बैक्टीरिया जो दही को मिल्क को दही में बनाने में मदद करते हैं लैक्टोबैसिलस। अगर इसी चीज़ को सिट्रिक एसिड अगर आप पूछो तो सिट्रिक एसिड क्या होता है, ये खट्टे फ्रूट्स में नेचुरली पाया जाता है, जैसे नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो ये जो टेस्ट आपके जो सौर या फिर जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, अब फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूले में जो कन्वर्जन होता है वो सबसे पहले सिट्रिक एसिड के फॉर्मूले में C6H8 और O7 आता है, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका फॉर्मूले से रिलेटेड, C3H6O3 तो आपका लैक्टिक एसिड में आता है, और अगर कार्बन का नंबर जस्ट डबल हो जाता है C6 हो जाता है तो हाइड्रोजन भी दो बढ़ जाएंगे, H8 हो गया, और ऑक्सीजन की अगर 7 वैल्यू हो जाती है, 7 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अगर मौजूद होते हैं यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका सिट्रिक एसिड से और आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन आपका लग गया है, हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो क्वेश्चन ये दिखा है ना सबको, ओके राइट, ये चीज समझ आ गया बिल्कुल। एट्रिकोफर्मी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो एट्रिकोफर्मी से रिलेट कर रहा है, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, या फिर हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज व्हाट। जैसे कि सपोज क्लोरीन का यहाँ पे लिखा है 287 करके लिखा है हमने, तो यहाँ पे ये जो सबसे आखिरी में पहला शेल फिल हो गया 2 के साथ है ना, दूसरा शेल फिल हो गया 8 के साथ, और तीसरा फिल हो गया 7 के साथ, तो इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है भी नहीं है ना। तो जब इसके आखिरी शेल में ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, बिल्कुल क्लियर है ना, ये चीजें सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनको हम बोलते हैं। और इसी में से अगर हमने इसको 8 में से माइनस कर दिया जो कि इसको शेल को फिल करने के लिए चाहिए, तो 8 में से अगर हमने 7 को माइनस कर दिया तो 1 जो बच रहा है ना, तो ये 1 जो बचेगा वो क्या बच जाता है, बैलेंसी, ठीक है, संयोजकता जो है वो, तो 7 तो है संयोजी या संयोजक इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे, और 1 जो बच गया है वो संयोजकता या फिर बैलेंसी करके टर्म किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट वैसे तो आप आंसर बता ही दोगे, लेकिन इसके फॉर्मूले के साथ कैसे इसको याद रखना है ये आप बताइए। बेराइल इज एन ओर और मिनरल ऑफ व्हाट, बेराइल किस चीज का ओर या अयस्क है, बैरल करके या बेराइल करके उसे हम बोल सकते हैं, तो बेराइल किस चीज का ओर या ये अयस्क है, यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल है, बिल्कुल आरपीएफ में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं नो डाउट, क्योंकि आरपीएफ का लेवल आगे आगे बढ़ेगा तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेराइल किस चीज का ओर रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए आंसर सिंपल है, बेराइल जो है वो बेरिलियम का ओर है, ठीक है, नो डाउट। अब सेकंड थिंग, बेराइल का कॉमन नेम क्या होता है, द कॉमन नेम ऑफ बेराइल, अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका तो फॉर्मूले का ओर फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, बेराइल का अगर यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे तो क्या होगा, बेरिलियम
एल्यूमिनियम साइक्लोसिलिकेट, इसका फॉर्मूला रहता है, मतलब इसका जो केमिकल नेम है वो रहता है, तो नाम के साथ समझ आ रहा है। सबसे पहले इसमें बेरिलियम है, ठीक है, तीन होते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम कितना, दो रहते हैं, सिलिकेट भी है, छह रहते हैं, और आखिरी में ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है, तो 18 ऑक्सीजन जो है वो टोटल इसमें मौजूद होते हैं। तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए ढंग से, बेरिलियम 3, एल्यूमिनियम 2, सिलिकॉन 6 और ऑक्सीजन कितना, 18। तो इसी चीज को बोला जाता है बेरिलियम एल्यूमिनियम साइक्लोसिलिकेट, राइट। तो फॉर्मूला एक बार याद रखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, आपको लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसमें इस तरीके के फॉर्मूले आपको पूछे जाते हैं, Be3Al2Si6O18, ये बेरिलियम एल्यूमिनियम साइक्लोसिलिकेट का फॉर्मूला है, जो कि एक बराइल और बनाता है किस चीज का, बेरिलियम के। तो उस कंटेक्स्ट में आपको ये याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज जनरेटेड ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन या इग्निशन ऑफ फ्यूल, अगर ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बहुत ही आसान, कॉमन नेम मैंने आपको बताया इसका, बेरियम, पिछले वाले क्वेश्चन का, बेरिलियम एल्यूमिनियम साइक्लोसिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट आएगा इसमें, एल्यूमिनियम आपके यहाँ पे दो आएंगे, बेरिलियम तीन आएंगे, सिलिकेट छह आएंगे और ऑक्सीजन 18। बिल्कुल SiO3, हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छह और तीन 18 है, तो ऑक्सीजन 3 करके यहाँ पे तीन, नहीं 6 करेंगे ना, तो अच्छा 3 करेंगे तो यहाँ पे 6, ठीक है ठीक है, SiO3 और ब्रैकेट में 6 करके भी आप लोग लिख सकते हो। तो थोड़ा सा, एक तो फॉर्मूले में ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में कभी कभार फॉर्मूला किसी और तरीके से पूछा रहता है और किसी और तरीके से जो है वो लिखा रहता है, तो थोड़ा सा उसका भी आप ध्यान रखोगे। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, इनकम्प्लीट इग्निशन से या इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से जो आपकी गैस होती है, इरेज होती है, रेज होती है या उत्पन्न होती है, सिंपल भाषा में गए कहते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अमोनियम ऑक्सलेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, कोई बताएगा यहाँ पे, अमोनियम ऑक्सलेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, जो कॉमनली डे टू डे लाइफ में ना इसको जो टेस्ट करते हैं ना उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, एक बार इसका इस्तेमाल बता दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस गैस है, क्योंकि ये बॉडी में अगर इसका लेवल थोड़ा भी अप होता है तो पर्सन की डेथ हो सकती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन जो है हमारा, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करने का काम करता है, उसकी एफिनिटी CO2 से ज़्यादा और ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। तो अगर ये आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और आप इनहेल करते हो, तो ये O2 की और CO2 की, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हटा के अपनी मात्रा जो है वो बढ़ा लेता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पंकज, बिल्कुल यहाँ पे अमोनियम ऑक्सलेट जो है वो ब्लड टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लड टेस्ट में इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने जैसे किसी का ब्लड निकाला है, एक बूंद या जो भी आप टेस्ट ट्यूब्स में ब्लड निकालते हो, तो वहाँ पे जब ब्लड निकाला जाता है तो वो आउटर मीडियम में ना कोएगुलेट नहीं करे, वो ऐसे ख़राब नहीं हो जाए, अदरवाइज आप उसको कैसे टेस्ट करोगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो थोड़ा सा उसको, बिल्कुल, खून को टेस्ट करने के लिए, प्रवीण कुमार, यस, ये इस्तेमाल करते हैं अमोनियम ऑक्सलेट, एग्जैक्टली जो है वो याद करते हैं, मतलब इसको यहाँ पे ये याद रखना है आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए क्या रहेगा आपका, ऑक्सलेट है, देखो ऑक्सलेट है तो C2O4 जो है वो आपका फॉर्मूला तो रहेगा, ठीक है, अमोनियम ऑक्सलेट पूछा है और अमोनियम के लिए NH4 इस्तेमाल करते हैं, बैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो NH4 ट्वाइस और C2O4, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही फॉर्मूले में दिख रहा है, तो करेक्ट आपका क्या रहेगा, 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सी और 3 जो लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, NH4 ट्वाइस C2O4, तो ये आपका ये उससे रिलेटेड है, मतलब ब्लड्स
कि ब्लड से रिलेटेड है तो उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए. ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, विशिष्ट गुरुत्व को नापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, या जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हवा के दबाव को नापने के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है, और हाइड्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, एनीमोमीटर विंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पायरोमीटर इस्तेमाल किया जाता. अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो उसको नापने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है. सिंपल क्वेश्चन चाहिए क्या सर? ओके, क्या डालते हैं इसमें? ओके, सियानोमीटर नहीं, क्रायोमीटर भी नहीं, ये पहली बार सुना होगा ना आपने. ग्रेविटी को नापने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर, बेडीमीटर, क्रायोमीटर, सियानोमीटर, एरोमीटर, सारे आंसर आप दे चुके हो. द करेक्ट आंसर इज, देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापना इज लाइक, जैसे आप अर्थ पे अगर हो तो अर्थ से कोई एस्ट्रोनॉट या कोई मिशन जाता है तो वो ये नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो पृथ्वी की सतह से कितना दूर आ चुके हैं, या उन्होंने अपना जो ग्रेविटी का जो जोन है उससे बाहर निकल चुके हैं या नहीं. राइट, तो उस चीज़ को नापने के लिए ये इस्तेमाल जो किया जाता है वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो एरोमीटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, अब देखो हवा के लिए एनीमोमीटर होता है, हवा के प्रेशर को नापने के लिए हवा को एनीमोमीटर इस्तेमाल करते हैं, वैसे बैरोमीटर आपका इस्तेमाल होता है. एरोमीटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बेडीमीटर आपने कभी सुना नहीं है इसलिए आप लोग वन कर रहे हो. एरोमीटर जो है वो करेक्ट आंसर है, थ्री सी या थ्री जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा. राइट, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बताया कोई भी मिसाइल या स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाता है स्पेस के तो तब वो ग्रेविटी की, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल चुका है या नहीं उसके लिए इसको नापते हैं. तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो एरोमीटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, ओके डानी, यहाँ पे इसको इतना फिनिश करते हैं. आई होप ये 12 क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे हैं, और ये आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा, और बाकी आरपीएफ की जो क्लास है वो भी आपको यहाँ पे रिवाइज करना है थोड़ा सा. बाकी गाइज ये आपका ईयर का एंड है ना, साल का आखिरी दिन पे हम क्लास कर रहे हैं. अभी जब हम परसों क्लास करेंगे तो ऑलरेडी इट विल बी 2019. सो अच्छे से सेलिब्रेट करिए इस चीज़ को, जो भी कुछ नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल के छोड़िए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और इसके साथ कि अगर आप जॉब लेना चाहते हो या आगे जो भी कुछ अच्छा करना चाहते हो उसके लिए आप थोड़ा सा मोटिवेट होइए. बाकी फैमिली में सबका ध्यान रखिए, जॉब लीजिए अच्छे से. नेक्स्ट ईयर जो है 2019 खत्म होने से पहले आप सब लोगों का जॉब हो, दैट इज़ व्हाट आई विश हियर यहाँ पे. तो गाइज थोड़ा सा बाकी चीज़ों को यहाँ पे कोरिलेट करेंगे. कल आपकी क्लास नहीं है, परसों आपकी क्लास होगी. कल इज़ कम्प्लीटली ऑफ, फर्स्ट डे है तो. और बाकी सेकेंड जनवरी 2019 को अब अपनी क्लास होगी 5 बजे यहाँ पे, तो उससे करते हैं क्लास कंटिन्यू. ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच, लाइक करना है आपको सेशन को, और सब्सक्राइब और शेयर भी करना है. थैंक यू सो मच, बाय बाय.